तो चंद्रन को जब अकल आई और वो वापस अपने घर लौटा तो उसका बदला हुआ रंग रूप देखकर उसके माँ बाप बिल्कुल हैरान रह गए। माँ बोली, तू तो एकदम लाश लग रहा है, हड्डियाँ कैसे बाहर निकल आई है, गाल एकदम पिचक गए हैं, क्या करता रहा इतने दिन? भाई बोला, तुम्हारा कोट कहाँ है? शर्ट एकदम ढीली लगी हुई है, बाल गायब हैं, इतने छोटे क्यों कर लिए? और बैग कहाँ है तुम्हारा? पिताजी ने पूछा, क्यों भाई, कहाँ कहाँ घूमे? तो वो बोला, बहुत जगह गया, घूमता ही रहा। चाचा के यहाँ पर क्यों नहीं गया? वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोग मेरे लिए परेशान तो नहीं हुए? फिर पिताजी बोले कि माँ हुई थी तुम्हारी। माँ बोली, अच्छा, तुम तो जैसे हुए ही नहीं परेशान, कितनी बार मद्रास चले गए तुम? तेरे पिताजी ने ना जाने कितने लोगों को चिट्ठियाँ लिख दी। सीनू बोला, भैया, माँ और पिताजी वाकई परेशान थे, घर में मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता था, इन दिनों दोनों गुमसुम से हो गए थे, मुझे भी घर पर अच्छा नहीं लगता, बावर्ची के अलावा मुझसे कोई बात ही नहीं करता था। फिर जब ये अपने कमरे में गया तो इसने देखा कि सारा सामान जहाँ ये छोड़कर गया था वहीं पड़ा था, किताबें मेज पर छोड़ के गया था वहीं थी, चारपाई, अलमारी, पुराना भूरा कोट स्टैंड पर टंगा हुआ था, स्टैंड पर ही टंगा हुआ था। और कमाल की बात ये थी कि धूल जरा सी भी नहीं लगी थी, मकड़ी का एक जाला तक नहीं दिखाई देता था। ये देखकर एक बार के लिए चंद्रन बहुत इमोशनल हो गया। जब पिताजी ने कहा कि हर रोज सवेरे बड़े ध्यान से तेरी माँ तेरे कमरे की सफाई करवाती थी और हर वक्त तेरे कमरे को ताला लगा कर रखती थी, एक घंटे के लिए भी नहीं खोलती थी। इसके बाद वो गार्डन में गया, वहाँ पर टहलने लगा, चारों तरफ देखा तो घास ऊंची ऊंची लग रही थी, फूलों के पौधे सूखते जा रहे थे, जगह जगह झाड़ियाँ फैलने लगी थी। पिताजी सुबह शाम उठकर इन पौधों का ध्यान रखते थे, उसे याद है। अंदर जाकर पूछा, आपने गार्डन की देखभाल करना बंद कर दी, अब इनके लिए मैं क्या करता? उन्होंने जवाब दिया, तो आप क्या करते थे इतने टाइम तक? तो माँ ने शैतानी से मुस्कुराकर कहा कि ये खोए हुए थे अपने बेटे की तलाश में। पिताजी, मैंने आपको कहा था ना, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुमने लिखा था, कोई बात नहीं है, तुम मजाक कर रही है। इसके बाद शाम को चंद्रन मोहन से मिलने गया। बोला, माँ, हो सकता है मैं रात को ना आऊँ, मोहन के साथ होटल में ही सो सकता हूँ, ठीक है? मोहन के होटल की तरफ बढ़ते हुए चंद्रन बहुत ज़्यादा उस शाम के बारे में सोच रहा था जब ये यहाँ पर आया था, मालती की शादी वाले दिन जब वो आखिरी बार यहाँ पर आया था। मॉडर्न इंडियन लॉज के सामने पहुँचने से पहले इसका दिल तेज़ी से ज़ोरों से धड़कने लगा। इसका भ्रम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। होटल की सीढ़ियाँ चढ़कर ये ऊपर पहुँचा। मोहन अब एक नए कमरे में रहने लगा था, तरक्की हो गई थी उसकी, बड़ा कमरा ले लिया था इसी होटल में। मोहन उसे देखकर दंग सा रह गया, 5 मिनट तक तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। फिर जब मुंह खोला तो ये सवाल निकाला, अबे क्या हाल बना लिया ये अपना, कहाँ थे अब तक? ये तो बड़ा शानदार कमरा ले लिया यार तूने, पुराना वाला क्यों छोड़ दिया? अब मैं पैसे वाला हो गया हूँ, उसने हंसते हुए कहा। तुम अपने बारे में बताओ। अरे भाई, मेरी तो बड़ी लंबी कहानी है, रामायण की तरह, वो भी सुनाऊंगा, तू अपनी बता, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? फिर इसके बाद मोहन ने बताया कि जिस डेली मैसेंजर में वो काम करता है वो 30,000 में बिकने लगा। जैसे जैसे वो न्यूज़पेपर बढ़ता जा रहा था, इसकी तरक्की भी बढ़ती जा रही थी। कई दफ़ा अपने आप को रोकने के बाद चंद्रन ने आखिरकार इससे पूछ ही लिया जो इसके दिल में था। उसे पूछा, वो लोग भी अभी इसी घर में रहते हैं क्या? मोहन मुस्कुराया और थोड़ी देर रुककर जवाब दिया, शादी के कुछ ही दिन के बाद में उन्होंने ये घर छोड़ दिया था, अब पता नहीं कहाँ चले गए। तो अभी इसमें कौन रहता है? कोई मारवाड़ी आदमी है, उसने खरीद लिया, उधारी का काम करता है। सब कुछ चेंज हो गया भाई। चंद्रन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 8 महीने बाहर रहकर आया या 18 साल, ऐसे कैसे इतनी जल्दी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसके बाद उसने मोहन को अपनी सारी कहानी बताई और कहा कि भाई, ये बात किसी को मत बताना, मैंने तुझे ही बताई है। इसके बाद चंद्रन काफ़ी स्टेबल लाइफ गुजारने लगा। मालती की कभी कभी याद आती थी, लेकिन खुद को समझा लेता था, वो जो काम करता उसी में पूरा मन लगा था। लेकिन धीरे धीरे इसे एक बात खटकने लगी थी जिसे वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। सवाल था काम धंधे का, करना क्या है ज़िंदगी में। अक्सर सोचता था कि अगले साल इंग्लैंड चला जाएगा, डिग्री लेकर वापस आ जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। ये सब सोचकर मन तो शांत हो जाता था, लेकिन कभी कभी नहीं होता था, और आजकल तो बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि कॉलेज पास किए 2 साल हो चुके हैं और उम्र हो गई है 24 साल, और अभी तक ज्योंक की तरह पिताजी से चिपका हुआ है। इस बात ने इसको एक दिन इतना परेशान किया कि ये बागीचे में काम करते हुए फादर के पास में गया और जाकर बोला कि मैं कोई सरकारी नौकरी के लिए अपील कर देता हूँ। उन्होंने हाथ से खुरपी छोड़ी और पूछा, तुम्हें इस सब की क्या ज़रूरत है? अगले साल तो इंग्लैंड जा ही रहा है ना? पिताजी, बीए पास किए 2 साल हो गए, 24 का हो गया, मैं क्यों टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? मैं अपना बच्चा तो रहा नहीं, आगे चलकर परिवार भी चलाना है मुझे अपना। तो पिताजी ने फिर से इसको इंग्लैंड जाने का दिलासा दे दिया, लेकिन इंग्लैंड जाना भी एक जुए के जैसा है,
वहाँ पर जाना, पढ़ाई करना, वापस आकर नौकरी की तलाश करना, ये एक जुए जैसा लगता था इसको कि फालतू में पिताजी का इतना पैसा खर्च करूँगा। कि बहुत ज़्यादा खून चूसने वाली बात हो गई। मोहन ने उससे कहा कि कोई और काम कर ले भाई। तब चंद्रन ने पूछा क्या करूँ, तो उसने कहा हमारे न्यूज़पेपर की एक मेन एजेंसी है, अभी जो उसका एजेंट है उससे लोग खुश नहीं है वहाँ पर, तो उसको बदलना चाहते हैं। और वहाँ पर इनकम क्या होगी? देख भाई ये तो डिपेंड करता है तू जैसे काम करेगा। चंद्रन की कुछ भी समझ में नहीं आया। जाकर इसने अपने फादर से बस इतना कहा कि मैं अगर इंग्लैंड ना जाऊँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो इसके पिताजी ने पूछा क्या क्या बात हो गई? तो ये बोला मुझे इंग्लैंड जाना जुआ सा लगता है, पता नहीं क्यों, मैं न्यूज़पेपर का एक एजेंट बनना चाहता हूँ, मैंने अपने दोस्त से बात की है मोहन से। इसके बाद वो अपने फादर को पूरी गणित समझाने लगा। और पिताजी हर मामले में अपने मद्रास वाले भाई से सलाह लेते थे। उन्होंने लिख के भेजा कि मेरा बेटा अखबार की एजेंसी लेना चाह रहा है, पहले 2,000 रुपये लगेंगे, क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसके इंग्लैंड जाने का क्या हुआ, उन्होंने पूछा? पता नहीं इसके रोज़ रोज़ विचार बदलते रहते हैं, आज क्या कल क्या। मद्रास वाले भाई साहब ने इस न्यूज़पेपर के बारे में सब कुछ पता किया, उसके बाद में एक लेटर लिख करके भेजा कि अखबार सही है, भेज दो, इस टाइम पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा इसके अंदर। तो इसने पूछा अपने फादर से, चंद्र ने क्या सोच रहे हो अब आप? तो उन्होंने कहा कि अभी की अभी आज ही मद्रास चले जाओ और मैं तुम्हारे चाचा को उतार दे देता हूँ। ठीक है, तो ये गया अपनी माँ के पास, मैं आज मद्रास जा रहा हूँ। माँ ने चिंता करते हुए पूछा फिर कब लौटोगे? 2-3 दिन में, जैसे ही काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। इसके बाद माँ, पिताजी, सीनू तीनों उसे स्टेशन पर गाड़ी में बैठाने गए। दूसरे दिन सुबह गाड़ी मद्रास स्टेशन पर रुकने, देखा चाचा जी से लेने आए थे, अब की बार बेटे को नहीं भेजा था ताकि फिर से चकमा देकर या ना भाग जाए। ये चीज़ देखकर चंद्रन का चेहरा लाल हो गया था। और मिलते ही चाचा ने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि इंग्लैंड जाने का इरादा क्यों बदल दिया तुमने? और इनकी गाड़ी हॉर्न बजाती हुई मद्रास की सड़कों पर चलने लगी। इसके आगे की स्टोरी लास्ट पार्ट में।